यदि आपका भी खाता HDFC बैंक में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग HDFC बैंक में अपना एक FD अकाउंट ओपन करना सीखेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि चाहे कोई भी बैंक हो, उसके सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो होता है 2%, 2.5%, 3% तक। लेकिन यदि आप उन्हीं पैसों को FD अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो FD अकाउंट पे 4% से लेकर 7.5-7.5% तक इंटरेस्ट मिलता है। ये टेन्योर के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि आपके पास कुछ ऐसे पैसे पड़े हैं जिनका आपको हाल फिलहाल में कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहें तो उन पैसों को सेविंग अकाउंट से FD अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको उन्हीं पैसों पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि HDFC बैंक में FD अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और उसमें फिंगरप्रिंट या फिर लॉगिन पिन के जरिए लॉगिन हो जाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो चुका हूँ। ये हमारे सेविंग अकाउंट का बैलेंस। यहाँ नीचे में और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक FD अकाउंट क्रिएट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा सेविंग अकाउंट और ये है सेविंग अकाउंट का बैलेंस। थोड़ा सा पेज को हम ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ नीचे में आप देखेंगे कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से ये पहला वाला ऑप्शन है ओपन फिक्स डिपॉजिट, इसमें क्लिक करेंगे। ये हमारा सेविंग अकाउंट, नीचे में सेविंग अकाउंट का बैलेंस दिया है। यहाँ दिया है इंटरेस्ट पे आउट, यानी जो हम यहाँ पे FD अकाउंट बनाएंगे उसका इंटरेस्ट किस तरह से हमें चाहिए, उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक डाउन एरो बना है इसमें क्लिक करेंगे। यदि आप इस पहले वाले को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे लिखा है री इन्वेस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ, यानी हर 6 महीने पे आप दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस पहले वाले को सेलेक्ट करना है। और यदि आप चाहते हैं कि आपने जो FD अकाउंट बनाया है उसका जो इंटरेस्ट है हर क्वार्टरली आपके सेविंग अकाउंट में उसका इंटरेस्ट जमा हो जाए, तो आपको इस दूसरे वाले को सेलेक्ट करना है। और यदि आप FD अकाउंट का इंटरेस्ट हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में चाहते हैं तो आपको इसे सेलेक्ट करना है। हालांकि मैं सेलेक्ट करूंगा सबसे लास्ट वाले को, ऑन मेच्योरिटी कैन नॉट री इन्वेस्ट, मैं इसी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। HDFC बैंक में मिनिमम आप 5,000 रुपये से FD अकाउंट बना सकते हैं, इससे नीचे का नहीं बना सकते हैं, इससे ऊपर का जितना चाहे उतना का बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए केवल 5,000 रुपये कर देता हूँ। नीचे दिया है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ 180 दिन कर देता हूँ। देखिए ईयर में यहाँ पे 0 होगा क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म वाला सेलेक्ट किया है, तो यहाँ मैं करता हूँ 6 महीने जो कि होता है 180 दिन, सेट कर देंगे 6 मंथ। हालांकि 6 महीने पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है केवल 4.5% का। चलिए इसे हम चेंज करके देखते हैं। इसे हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, 5,000 रुपये अमाउंट कर देते हैं और ड्यूरेशन में हम सिलेक्ट कर लेते हैं 5 साल कर देते हैं ड्यूरेशन में, और देखते हैं कि इंटरेस्ट हमें कितना मिलता है। यदि हम यहाँ पे 5 साल के लिए FD अकाउंट ओपन करते हैं तो उस पर हमें 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ से आप टोटल इंटरेस्ट रेट पता कर सकते हैं। हालांकि मुझे 5 साल के लिए नहीं करना है, केवल 1 साल के लिए करना है। तो यदि हम 1 साल के लिए करते हैं तो देखते हैं कितना इंटरेस्ट मिलता है। 1 साल के लिए भी यदि मैं करता हूँ 6.60% का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ दिया है मेच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, मेच्योरिटी डेट है 4 जून 2024। मेच्योरिटी पूरा होने के बाद ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 5,340 रुपया। यहाँ ऑन मेच्योरिटी पे दिया है रिन्यू प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, जो कि इसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यदि आप पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका मेच्योरिटी पूरा होगा वो ऑटोमेटिक आपका प्रिंसिपल अमाउंट तथा इंटरेस्ट दोनों ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। और यदि आप दूसरे वाले को सिलेक्ट करते हैं तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा यानी जितने का आप FD किए होंगे वो तो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा, लेकिन जो उसका ब्याज होगा वो ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा है डू नॉट रिन्यू, इसे यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो भी FD अकाउंट का टोटल बैलेंस है ब्याज के साथ वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं ऐसे नीचे वाले को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबसे नीचे दिया है कंटिन्यू, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ब्रांच का एड्रेस दिया है, इसे हम चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। नॉमिनी नेम में है मेरे वाइफ का नाम, इसे भी हम चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
हालांकि इन दोनों को मुझे चेंज नहीं करना है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ जो चौकोर बार्स है इसे हमें चेक मार्क कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे एफडी अकाउंट का ओवरव्यू आ चुका है। यहाँ नीचे में इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इस चौकोर बॉक्स में हमें चेक मार्क कर देना है, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सक्सेसफुली एफडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर लिखा गया यू हैव सक्सेसफुली ओपन ए फिक्स डिपॉजिट। ये हमारा एफडी अकाउंट नंबर, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया है, मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे है, मेच्योरिटी डेट यहाँ पे है। यह नीचे दिया है डाउनलोड डिपॉजिट एडवाइस, यहाँ से हम डिपॉजिट एडवाइस को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ शेयर कर सकते हैं, यहाँ से रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए फाइल डाउनलोड हो चुका है और नीचे में देखिए इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी HDFC बैंक में ऑनलाइन अपना एक FD अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने पैसों पे काफी अच्छा खासा इंटरेस्ट पा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।